हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित शर्मा टेक्नोश्याम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने मंगाया है अपना पहला DSLR कैमरा, जो कि है कैनन का 200D, जो मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। आज हम उसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कैसा है ये कैमरा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है बॉक्स जो आया है फ्लिपकार्ट से। इसी को हम ओपन करके देखेंगे, अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए चलते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये बॉक्स फ्लिपकार्ट से आया है, ये इसको ओपन करके देखते हैं। ये है कैनन का 200D DSLR कैमरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा पहला DSLR कैमरा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इसे ओपन करते हुए। ये इसमें एक ऊपर जो पैकेट है, इसमें आया एक बैग, जिसे हम बोलते हैं कैमरा बैग, जो कि एक कैरी केस है। इसमें रखकर हम कैमरे को कहीं भी ले जा सकते हैं। ऊपर आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, इसको मैं खोल के देखता हूँ। बैग की क्वालिटी मुझे देखने में तो अभी सही लग रही है। और ये बैग इसके साथ आया, इस पैकेट के साथ हमें कैमरे के साथ क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कैमरे की बॉडी इसके साथ है और एक 18x1855 लेंस है, और है इसके साथ कैरी बैग और 16GB का SD कार्ड इसके साथ आया है। ये है बैग, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसमें कैमरा हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो ये बैग इसके साथ फ्री आया है। इस पे लिखा हुआ है EOS कैनन। और अब इस बॉक्स को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बॉक्स, पैकिंग है इसकी। वाईफाई इनेबल है, वाईफाई पर काम करता है, ब्लूटूथ भी है इसमें और HDMI भी पोर्ट भी है। कनेक्टिविटी के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं इस कैमरे में। यूट्यूबर्स के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है ये, और इस पर मिल रही है 2 साल की हमें वारंटी। और इसके साथ लेंस आया है 18-55। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये सबसे ऊपर देख रहे हो आप, ये यूजर गाइड है, यूजर मैनुअल है। इसे देखकर हम जो भी इसको सीख सकते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। इसको ओपन करते हैं, हटा देते हैं। ये है इसका कैनन का वारंटी कार्ड, देख रहे हो आप, 1+1=2 years वारंटी इस पर हमें मिल रही है। कैनन डिजिटल, और ये कुछ इसके साथ कैटलॉग वगैरह हैं, इसके डिटेल हैं, जो इनके कैनन के और सारे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है। ठीक है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब ये क्या है, ये है बैटरी इसके साथ। ये रिचार्जेबल लिथियम बैटरी है इसके साथ। एक ही बैटरी आई है, आप चाहें तो अलग से दूसरी बैटरी भी ले सकते हैं। और ये है इसका चार्जर, कैनन का चार्जर, ये इससे हम इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेयर बैटरी चाहिए तो आप अलग से बैटरी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ केवल एक ही बैटरी हमें मिली है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये चार्जर है, इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, साइड में रखते हैं। और ये क्या है, ये है इसकी पावर कॉर्ड, चार्जर की पावर कॉर्ड। इससे हम चार्जर में लगाकर और डायरेक्ट अपने AC सॉकेट में लगाकर इससे बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। और ये है SD कार्ड जो इसके साथ आया है, 16GB का SD कार्ड है ये अल्ट्रा का, स्कैन डिस्क अल्ट्रा। इसको भी साइड में रख देते हैं और अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है इसका स्टेप, है बैक का स्टेप है ये, इस पर भी कैनन लिखा हुआ है आप देख रहे हो। इसको हम कैमरे में लगाएंगे बाद में, सेफ्टी के पर्पज से बहुत सही रहता है ये स्टेप। और ये है इसका लेंस जो इसके साथ आया है, 18-55।
कैनन लेंस आप देखिए, इस पे एक लिखा EFS 18-55 mm, और ये ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस सिलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक इसका बटन दिया हुआ है, स्लाइडिंग बटन, और इसकी कैप है ये लेंस की, इस कैप को बंद कर देते हैं फिर से, और ये भी इसका कवर है, ये है मेन कैमरा, कैमरे का लेंस, और ये है मेन कैमरा जिसे हम बोलते हैं कैमरा बॉडी। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैमरा बॉडी, मेन कैमरा यही है। ये देखिए कितना प्यारा कैमरा लग रहा है, ये है ना। इसको हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन पर भी इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उससे भी कनेक्ट हम कर सकते हैं, मोबाइल से इसे रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो फोकस फंक्शंस हैं इसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दे रखे हैं, फिर भी मैं इसका सब तरफ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये स्टेप लगाने के लिए जो मैं बता रहा था, स्टेप लगाने से इसको हम अपने गले में टांग सकते हैं, और ये ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन ऑफ, और एक साइड है वीडियो का, ये ऑटो मोड, बहुत सारे मोड इसमें दिए हुए हैं। हम इस रोटरी स्विच है, इसको घुमाकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर दिया हुआ है हॉर्स शू जिस पर हम फ्लैश लगा सकते हैं। ये बहुत सारी ये सेट करने के फंक्शन हैं, ये प्ले का है, ये डिलीट करने के लिए है, नीचे ये बैटरी बॉक्स है, यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे अपनी, बैटरी इसके अंदर लगती है, और साइड में इसी में साइड में एक स्लॉट है, वो है एसडी कार्ड की, इसमें एसडी कार्ड लग जाता है, बैटरी इस तरह से लगेगी जैसे कि लगा के देखते हैं इसको, तो शायद बैटरी अभी पूरी चार्ज भी नहीं होगी, तो इससे पहले हमें चार्ज करना पड़ेगा। इसको बंद कर देंगे बॉक्स को, और ये है ट्राईपॉड पे लगाने के लिए, इस पर ट्राईपॉड पर हम इसे माउंट कर सकते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर हमें एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, माइक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें लगभग सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, यूट्यूबर्स के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है। ये माइक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं इसको भी, और ये है यहाँ पर कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ये HDMI केबल के थ्रू HDMI का है, और एक दिया हुआ है मिनी USB का, इससे हम इसे अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे पोर्ट दिया हुआ है इसमें मिनी USB पोर्ट, और ऊपर दिया हुआ है मिनी HDMI, और ये है व्यूफाइंडर, ये है इसका मेनू बटन, और ये है इन्फो बटन, और ये है वाईफाई का बटन है, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, और ये है इसकी स्क्रीन जो कि रोटेबल स्क्रीन है, फ्लिप कर सकते हैं हम इसको। ये लेंस है, अब मैं लेंस लगा के दिखाता हूँ आपको एक बार, इसको हटा देते हैं इसके कवर को, और इसे हम कनेक्ट करेंगे, पहले लेंस के इस कवर को हटा देते हैं, उसके बाद आप देख रहे हो कैमरे पर भी वाइट कलर का एक निशान है जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही निशान लेंस पर भी है। इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है, मिला के और घुमा देना है इसे, तो ये कट की आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले इस कवर को इस तरह से हटा देंगे, बस हमारा कैमरा अब हो चुका है रेडी। स्क्रीन को यूं कर लेते हैं और ऑन करते हैं इसको, तो जैसा आप देख रहे हो ये ऑन हो चुका है दोस्तों, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं, कोई फंक्शन इसके पता है नहीं। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, यूज़ करके देखूँगा, और उसके बाद मैं आपको एक फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि कैसे हम इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।